कहा जाता है कि हिम्मत और परिश्रम के आगे कोई भी बाधा आड़े नहीं आ सकती है। दृढ़ निश्चय, मेहनत और लगन से कोई भी सफलता पाई जा सकती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सिरमौर जिले के एक छोटे से गांव कोलर के रहने वाले दृष्टिबाधित उमेश कुमार ने। उमेश कुमार ने IAS की परीक्षा पास कर न केवल अपने गांव कोलर का नाम रोशन किया है, बल्कि देश व प्रदेश के लिए वे एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। उमेश के पिता दलजीत एक किसान है और उनकी माता कमलेश सेवानिवृत्त अध्यापिका है। उमेश ने बताया कि उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल खत्म है, लेकिन इसके बावजूद उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा जारी रखी और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। उमेश ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की परीक्षा पास करने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से MPhil की। मेरे पिताजी को ही घर पे दायित्व मिला था कि वो सुबह उठें 5 बजे जब मम्मी जी उठती हैं और मुझे किताबें पढ़ाएं, तो मेरे इंग्लिश के सबसे बेहतर टीचर वो रहे। और जब स्कूल में पूछा जाता था कि उमेश तुम इतनी इंग्लिश कैसे कर लेते हो बाकी क्लास के तुलना में, तो उसका सारा श्रेय मेरे पिताजी को ही जाता था कि उन्होंने मेरी दिलचस्पी बढ़ाई। और जब प्रशंसा मिली तो और मेहनत करने की एक लगन पैदा हुई इंग्लिश में, और मुझे महसूस होता है कि बाद में इस चीज़ का मुझे लाभ हुआ। हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने में वो लगन पैदा करें जिससे हमें क्वालिटी का उत्सर्जन हो, और क्वालिटी के उत्सर्जन से प्रभाव की उत्पत्ति हो, और इस प्रभाव की उत्पत्ति से जो हमारे बारे में कुछ मिसकंसेप्शन सोसाइटीज में हैं, सोसाइटी के अलग अलग तबकों में हैं, हम उसको लड़ पाएं। उमेश का कहना है कि उनका पहला लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों की मदद करना होगा। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि सफलता के लिए परिश्रम और सतत पढ़ाई ही काम आती है। हमारे दृष्टिबाधितों, दिव्यांगों या फिर सिविल सर्विस के लिए जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो रहे हैं, उन्हें अपना इमोशनल सपोर्ट ज़रूर दें। किसी की योग्यता और अयोग्यता मापने से पहले उन्हें पर्याप्त मौका दें। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर कोई एग्ज़ाम में अपनी अयोग्यता के कारण भी विफल हो गया, तब भी उसे आप एक इमोशनल सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। उमेश के माता पिता उनकी इस सफलता से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि उमेश की कड़ी मेहनत काम आई है। वहाँ से MA करने के बाद JNU में सेलेक्ट हो गए, सिलेक्शन हो गया। इसने आज ये खुशी है कि इसने मेहनत की, हमने भी जैसे भी गुजारा किया, खेती की, मेहनत की, जैसे भी किया इसको खर्चा देते रहे। आज भगवान की कृपा से, गुरु इनके टीचरों के, इनके इस और इसकी मेहनत से आज ये मुकाम इसने हासिल किया। बहुत खुशी है। हमारा जो जन्म भी है वो हमारा जन्म सार्थक हो गया। अपनी मेहनत करके आज हमारा बच्चा अपनी स्थान पर पहुंच गया है। हमको इसके स्थान पर पहुंचने का बहुत ही गर्व है, बहुत ही खुशी है जी। उमेश की इस सफलता के बाद उनके गांव में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उमेश ने गांव का नाम रोशन करने के साथ साथ अन्य युवाओं को सफलता का मंत्र भी दिया है। इनके सिलेक्शन होने की वजह से कोलर के जो बच्चे हैं, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, उनको भी मोटिवेशन मिला है कि हम भी UPSC का, IAS का, HAS का टेस्ट क्लियर करें और नए नए मुकामों पर। पूरे गांव मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई है हमारे गांव को, और बच्चों को, युवाओं को इनसे सीखने को मिला है। ग्रामीण परिवेश में पढ़ा किसान का यह दृष्टिबाधित बेटा उमेश आज युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरा है। युवाओं को उमेश से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की सीख मिली है। DD News के लिए नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।